मैं एक ऐसे अमीर शहर को जानता हूँ, मैं एक ऐसे अमीर शहर को जानता हूँ जो भेष बदलने का माहिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के साथ काफी मार्केट की वीडियो शेयर की थी मैंने, सोचा एक जाना माना जो कि एक ब्रांड नुमा बन चुका है आशिक भाई हमारे, कोई 1998 से यहाँ पे खड़े हुए, ये कोयला फाटक पे इनके पास सूप भी अवेलेबल होता है, उसके अलावा यखनी हो गई, सर्दियाँ आ गई थी, मैंने सोचा एक ट्विस्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आज, जो कि क्वेटा की मशहूर एक फेमस पॉपुलर, हालांकि ये है सिंपल सी एक रेडी इन्होंने यहाँ पे लगाई होती है, लेकिन काफ़ी फेमस सूप है इनकी पूरे क्वेटा में, मैंने सोचा ये आज आप लोग साथ शेयर करते हैं। तो जो भी ये देख रहा है लास्ट तक देखें, आशिक भाई से पूछते हैं ये सूप की दास्तान क्या है, उसके अलावा इसके पास क्या क्या अवेलेबल होता है। तो जो भी मैं क्वेटा से देख रहा है, तो ये कोयला फाटक पे आप आएंगे तो यहाँ पे इनकी ये रेडी लगी होती है, इनका बहुत अच्छा टेस्टी सूप है, तो लगभग कोई 1998 से यहाँ ये यहाँ पे मतलब खड़े हो रहे हैं, ये टेस्ट आप लोगों को कहीं खास रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता है। तो हमारे साथ रहें, हम आशिक भाई से कुछ सवाल करते हैं। पाँच सूप मतलब पाँच पैक्ड सूप का ऑर्डर आया है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है ना सूप इस तरह से तैयार करते हैं, ये काफ़ी फेमस सूप है क्वेटा में, जो भी आता है तो ये जगह मिस ना करें, आप यहाँ पे आएँ, इनका बहुत टेस्टी सूप है ये कोयला फाटक पे जो है ना इनकी रेडी है। आशिक भाई, आप लोगों को किसी से भी पूछें, ये काफ़ी टाइम से यहाँ खड़े होते हैं, इनका बहुत अच्छा टेस्ट है, तो काफ़ी लोगों ने जो है ना इसको आजमाया है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ ज़रूर आएँ, ये जगह ज़रूर विज़िट करें, और इनके पास ये यखनी भी अवेलेबल होती है, ये आप लोग देख रहे होंगे देसी मुर्गी की यखनी है, ये आजकल जो सर्दियां हैं ना इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोग आए ये इंजॉय करें। ये आशिक भाई एक सूप तैयार कर रहे हैं। जी आशिक भाई, आप का ये जो सूप है, पहले तो ये बताएं सर, ये क्वेटा में आप कहाँ खड़े होते हैं, आपकी जो प्रॉपर जगह है सर? ये शहबाज टाउन कोयला फाटक है। अच्छा, 1998 से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अच्छा, और बलोचिस्तान में सूप मैंने मुतारिफ करवाया रेडी पर। अच्छा, इससे पहले कुछ चाइनीज रेस्टोरेंट थे। अच्छा, वहाँ पे सूप मिला करता था। अच्छा, लेकिन प्रॉपर रेडी पे और इस तरह आम आदमी की पहुँच तक एक चाइनीज डिश पहुँचाई मैंने, तो पहले पहले तो बड़ी मुश्किल पेश आई, और इसका सामान नहीं मिला करता था, मतलब सॉसेज, सोया सॉस वगैरह लेना, सिरका लेना, चिली सॉस लेना, या इस तरह का ये सारा, क्योंकि मार्केट में चीजें आम नहीं थी, ये खास लोगों तक दस्तयाब, फिर इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल था, तो फिर इनको ढूंढा मैंने और फिर प्रॉपर तरीके से बनाना शुरू कर दिया। स्टार्ट में लोगों को पता नहीं था कि ये क्या होता है, तो उनको बताना पड़ता था कि भाई ये चाइनीज डिश है और ये फलां फलां चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, इसके इन्ग्रीडियंट्स ये हैं, इस तरीके से ये रेसिपी तैयार होती है, तो एक मतलब आम थड़ों पे या रेड़ी पे मिलने वाली एक एक हट के चीज थी जो इससे पहले नहीं मिला करती थी, तो इस वजह से लोग जो थे वो बड़े हैरान भी होते थे और लोगों को इसमें जायका भी नहीं आता था। अच्छा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता गया, लोग जो है इसकी तरफ माइल होते चले गए। अच्छा, और तो सर आज आप अभी हमें ये बताएं सर, ये आइडिया आपको आया कहाँ से, ये अच्छा, भी तो सोचने की बात। अच्छा, ये वाकई सोचने की बात है, ऐसे था कि बस जरूरत थी और कोई ऐसी चीज मैं रेडी पे लगाना चाह रहा था जी, जिससे मुझे जो है ना जो आम लोगों के पास अभी तक ना पहुंची हो और लोग जो है इसकी तरफ रागब भी होते। अच्छा, हालांकि मैंने मेरी एमए तालीम है। अच्छा, लेकिन बेरोजगारी थी, नौकरी नहीं मिली, तो फिर मैं कुछ ऐसा सोचने पे मजबूर हो गया।
कि जिसकी वजह से घर का निजाम भी चल सके, बेरोजगारी खत्म हो जाए। तो बस अल्लाह पाक ने आइडिया दे दिया। तो उस जमाने में तो ये YouTube वगैरह सोशल मीडिया ये इस तरह का मीडिया कुछ नहीं था, पता के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी नहीं था सिवाय पाकिस्तान टेलीविजन के। तो ये चीजें सारी यहाँ वहाँ से मशवरा लेके कई बड़े जो कुक हैं बड़े बड़े होटल्स के या इस तरह के शेफ जो है कुछ एक दो दोस्त है उनसे मिल मिला के ये सारी रेसिपी फिर मैंने अपने तरीके से इसको बनाना शुरू किया। अच्छा। और फिर आस्ते आस्ते इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं मास्टर हो गया। अच्छा। तो अभी 25 साल से ज्यादा हो गए। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अभी आशिक भाई सूप की कोई दास्तान भी है शायद? हाँ वो ऐसे सर, ये यहाँ पे मैंने ये देखे यहाँ पे मैंने एक अखबार की कटिंग लगाई हुई है, जरा आप इसको क्लोज कर लें अगर आपके कैमरे में क्लोज आता है। जी, जी। सैफ अली खान की और करीना कपूर की। अच्छा। तो अखबारी बयान के मुताबिक ऐसा था कि इन्होंने सूप का प्याला पिया था यूनान में, तो वहां से इनकी लव स्टोरी चल पड़ी। अच्छा। वो लव स्टोरी चलती रही, दोनों डेट्स एक दूसरे को करते रहे, फिर आगे चलते चलते इन दोनों की शादी हो गई। अच्छा। तो वजह जो थी वो एक सूप का प्याला बनी थी। अच्छा। जो इन्होंने यूनान में पिया था, मेरा तो नहीं पिया था लेकिन यूनान में इन्होंने एक सूप का प्याला पिया था। अच्छा। तो बस इनकी जोड़ी वहां से सेट हो गई। अभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका सूप का प्याला पिया था तो बस कुछ इस तरह की कहानी है। तो ये कहानी फिर मैंने सर आई थिंक आप इन चीजों में थोड़ा लगाव रखते हैं, जैसे अभी ये जो अगर आपने पढ़ा होगा शायद, हाँ जी, या आपको आइडिया है तो लाजमी इन चीजों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। और इसके अलावा सर और कोई आपका कोई क्या शौक है, क्या इंटरेस्ट है आपका? बस अखबार वगैरह पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा रीडिंग का मुझे बड़ा अच्छा शौक है। सही। कहानी कुछ अफसाने इस तरह के मजामी शेर शायरी पढ़ते हैं इस वजह से। टिकटॉक पे छोटा सा मेरा भी एक अकाउंट है आशिक भाई सूप वाला। अच्छा अच्छा। तो अगर आपके तौसत से मेरे आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं चले आशिक भाई के नाम। हाँ, आशिक भाई सूप वाला। सही। टिकटॉक पे वहाँ पे मुझे देखेंगे। तो हमारे नाजरीन को आप एक शेर सुनाएं, आपको इन चीजों से वैसे थोड़ा लगाव है। शेर वो कुछ एक छोटी सी एक आजाद नज़्म है। अच्छा। कि मैं एक ऐसे अमीर शहर को जानता हूँ, मैं एक ऐसे अमीर शहर को जानता हूँ जो भेस बदलने का माहिर है। वो रात को छुप के निकलता है फाका कशों की बस्ती से, गेहूं का आखिरी दाना भी समेट लाता है। उसे गुफ्तगू से चिढ़ है, वो लबों को सी देता है। नगीनों का शौक है उसको इस कदर के पत्थर आंखें भी नोच लाता है। वाह 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 माशाल्लाह आशिक भाई क्या बात है। आशिक भाई अभी आप एक सूप बनाएं और इसमें सर आप ये हमें बताएं आपके पास सूप है उसके अलावा और क्या अवेलेबल होता है यहाँ पे आपके पास सर? और मेरे पास यखनी है। अच्छा। सूप होता है, यखनी है, गरम अंडे होते हैं। अच्छा। तो बस ये लोग आते हैं बड़े दूर दूर से आते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अच्छा। ये वैसे ये एक जो अभी बना रहे हैं एक प्याला कितने का है सूप का? वैसे ये प्याला 100 रुपए का है। अच्छा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था जी उस वक्त ये प्याला मैं 10 रुपए का देता था। अच्छा। मुझे आज भी याद है। तो अभी वक्त के साथ और महंगाई के हिसाब से जी, इसकी चीजें जो है खाने पीने की चीजें सारी बहुत महंगी हो गई हैं। अच्छा। तो जिसकी वजह से हमें भी कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। अच्छा। तो निजाम चलाना और सारा घर चलाना हर तरफ परेशानी तो है, तो कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। अच्छा। चलें अल्लाह आपकी मदद करे, आपके काम में बरकत डाले। और आपका जो एड्रेस है ये कोयला फाटक है। तो नाजरीन आप लोग देख रहे हैं आप यहाँ आए सूप पिए, बहुत मजेदार सूप है इनका आशिक भाई का। और इन्होंने तो एक पूरी दास्तान भी सुनाई है, एक सूप के प्याले से कई दिल जले मिले भी हैं यहाँ। चले आशिक भाई शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाजरीन आशिक भाई ने अपनी ये जो दास्तानें भी सुनाई, एक शेर भी हमें सुनाया। तो यहाँ पे अभी जो यहाँ पे सूप खाने वाले हैं जो काफी अरसे से यहाँ आ रहे हैं तो उनसे कुछ ओपिनियन लेते हैं, पूछते हैं उनसे कि इनका क्या टेस्ट है, कोई किसी में किसी को आना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो भाई आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जाहिर है। मोहम्मद जाहिर। मोहम्मद जाहिर भाई आप सूप खाने आए हैं? जी हाँ बिल्कुल। बेसिकली मैं खुद पुलिस मुलाजिम हूँ। अच्छा। तकरीबन मैं यहाँ 17 साल से आ रहा हूँ आशिक भाई के पास सूप। अच्छा। तो बहुत ही मजेदार और जायकेदार सूप है आशिक भाई का।
और अभी भी मैं गया हुआ हूँ ट्रेनिंग पे, वहाँ से अभी कल आया हूँ छुट्टी पे। अच्छा, तो अभी दिल ने चाह के जाए आशिक भाई से मिले भी, और उसका जो है जो सूप है वो भी पी के आए। अच्छा अच्छा जी जी, तो सूप काम वगैरह बताओ। सूप मतलब मजे का सूप है यार, बहुत ही मजे का। आप कहाँ से आए? मैं इधर क्लिशवाई पे रहता हूँ। अच्छा। वैसे मैं कलात गया हूँ तकरीबन ट्रेनिंग पे, अभी दो दिनों रह आया हूँ। अच्छा। कल भी आया तो सूप पीने, आज भी कल वापस कलात जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने बोला आशिक भाई से आकर सूप पिए, तो सूप के अलावा यहाँ और क्या मजे का मिलता है? जी हाँ, आशिक भाई की सूप यखनी दोनों बहुत ही मजे के, बहुत ही मजे। सही है, शुक्रिया। तो नाजरीन, मैंने सोचा जाते जाते आखिरी में एक प्याला हम भी सूप का पीते जाएं। आशिक भाई सूप बना रहे हैं। आशिक भाई, ये जो भी आप बनाएंगे ये कितने का है ये प्याला, एक दफा दोबारा नाजरीन के साथ आप शेयर करें। 100 रुपए का एक प्याला अंडे वाला मिल जाता है। अच्छा, बगैर अंडे तो ये स्पेशल करके बनाएं, हम भी टेस्ट करें, क्योंकि वैसे तो हमने पहले भी खाया हुआ है। सूप तो काफी फेमस है, आपको पहले भी मैंने इधर आया हूँ। अच्छा, थोड़ा नजदीक लें कैमरा, नजदीक लें प्याले को, प्याले को लें। चलिए आशिक भाई, शुक्रिया। मतलब लोगों को भी ऐसी स्पेशल चीजें मिलेंगी जो भी आएंगे ना। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग 100 रुपए का मिलेगा ये प्याला है। यहाँ पे आप आए और ये इंजॉय करें।